तो सर, सिंस यू हैव बीन इन आर्मी और आप कैप्टन रहे हैं, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? आपकी पृष्ठभूमि कैसे थी? पारिवारिक कोई ऐसा था कि मतलब ठीक ठाक परिवार, पैसे वैसे वाला, या फिर सिंस योर फादर वॉज ए फिलैंथ्रोपिस्ट और इसी के साथ में कहाँ से आपका ये आर्मी में जाना हुआ, या फिर डायरेक्टली बिजनेस का मूड था? देखिए, मैं लाइफ में बहुत लकी रहा हूँ। आपने जो कहा ठीक ठाक परिवार, तो आपने कहा पैसे वाला, मेरे लिए ठीक ठाक परिवार है, अच्छे परिवेश और संस्कार वाला। अच्छा। वो मुझे ईश्वर की कृपा से मिला। और मैं पूरा परिवार, हम रोहतक में रहते थे, तो रोहतक ही समझ लीजिए कि पैदाइश और पले बढ़े, क्योंकि तो मेरे दादाजी के समय से परिवार रोहतक में रहता आया। तो ओके ओके हम सब रोहतक शहर में, सारे भाई बहन, हम 9 सगे भाई बहन हैं, ओह नो। तो अच्छा 6 भाई हैं, 3 बहनें हैं। ओके तो उसके बीच में मुझसे छोटे 3 हैं। तो उन सब परिवार में, भाइयों और बहनों के बीच में, उनके ही सहयोग से परवरिश और जो है आगे बढ़े। रोहतक के वातावरण में पढ़ने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। और परिवार में, क्योंकि एक ऐसा वातावरण था, पिताजी बिजनेस में थे, पिताजी उड़ीसा बिजनेस करते थे, वहाँ अच्छा रहते उड़ीसा। थे, ओके उड़ीसा से रोहतक, और उसके बीच में ही उनका आना जाना रहता था। तो कुल मिला के एक बहुत सिक्योर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में एक शहर की जो परवरिश होती है, तो रोहतक मैं मानता हूँ कि एक बहुत प्रोग्रेसिव सोच का शहर सदा रहा है। ओके okay. तो एक बहुत प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट में हमारी ग्रूमिंग हुई है, और मैं काफ़ी लकी रहा इस मामले में कि मुझे अच्छे दोस्त मिले, अच्छे टीचर्स मिले, और बहुत कुछ लोगों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। ओके तो फिर आर्मी का कैसे आपको इंटरेस्ट बना? आर्मी में तो 1986 में मैंने बीकॉम कर लिया था, तो मैं जस्ट 18 ईयर्स का था, 19th ईयर ऑफ लाइफ में था। एमकॉम ज्वाइन कर ली थी, यूपीएससी की तैयारियां सब मित्र लोग हम कर रहे थे। अच्छा उस टाइम यूपीएससी का क्रेज था इतना। यस वेरी मच। तो हम सब लोग जो हैं तैयारी कर रहे थे, तो अचानक से, जैसे सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने का स्वभाव रहता है बच्चों का, तो हमने एनडीए भी क्लियर किया था, ज्वाइन नहीं किया, बीकॉम की और एमकॉम में आ गए। तब अचानक सीडीएस का भी एग्जाम दिया और सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया तो बड़े भाई साहब, जो कि आर्मी में शॉर्ट सर्विस में सर्विस करके आ चुके थे, उनके नाम के आगे कैप्टन रुद्रसेन जब देखता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। हमारा रोहतक में वातावरण भी आर्मी को लेकर के एक आकर्षण सदा रहता था। तो कुछ मित्रों ने कहा कि 5 साल सर्विस भी कराओ, नाम के आगे कैप्टन भी होगा। और आगे आके वापस आकर के यूपीएससी फिर दे लेना। उम्र बहुत कम थी, 19 साल की उम्र थी, तो आर्मी में जाने की मन में इच्छा भी रहती थी। तो उस 19 साल की उम्र में आर्मी में चले गए, ज्वाइन कर लिया, और एक अच्छा अनुभव रहा। और मुझे गर्व है कि मुझे मेरे जीवन में, मैं उस आर्मी के जो मेरा सर्विस का जो टेन्योर है, उसको मैं सबसे एनरिचिंग पीरियड मानता हूँ। जीवन में जो सर्वाधिक सीखने को मिला है, कि लाइफ की जो फ्रुगैलिटी है, लाइफ की जो अपनी वैल्यू है, वो भी वहाँ समझ में आती है। और जीवन में मेहनत की, परिश्रम की, पुरुषार्थ की, एक्सट्रीम कंडीशन से जो एक्सपोजर है, वहाँ पे जो सर्वाइवल की जो इंस्टिंक्ट है, वो आर्मी में डेवलप होती है। जब मैंने कमांडो कोर्स किया, एवरी मोमेंट यू फील दैट यू नो योर सर्वाइवल इज एट क्वेश्चन। सो व्हेन यू सर्वाइव थ्रू दैट, सो आई थिंक दैट देयर इज नथिंग बेटर इन लाइफ टू ट्रेन यू फॉर सर्वाइवल। सो दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। द एंटायर सर्विस टेन्योर इन द आर्मी, मेड ग्रेट फ्रेंड्स इन लाइफ, मेड फ्रेंड्स फॉर लाइफ। आई सर्व्ड विद द ग्रेटेस्ट रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, दैट इज 1st Tugra 7th Mechanized Infantry, तो वन ऑफ द फाइनेस्ट रेजिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्मी आई गॉट सर्व विद। और एक यंग नौजवान जब 20 साल 2 महीने की उम्र में फर्स्ट क्लास गजेटेड ऑफिसर बन जाता है, तो दिमाग और तो फिर एक एक साल तक लगभग मैं पूरा रेगिस्तान में टेंट में रहा, जहाँ ना बिजली थी, ना कोई सीधे गॉड। पानी की या कोई फ्रेश राशन की कोई सुविधा थी। अच्छा। अपने जवानों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा पीरियड रहा, बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही। तो आर्मी टॉट मी अ लॉट। तो आज भी मेरे अंदर का जो वो सोल्जर है, वो जिंदा है। कहते हैं वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, अ सोल्जर डाइज एज अ सोल्जर।
तो वो मेरे लिए वो फर्स्ट है। ओके तो अब और चूंकि 20 साल की उम्र में 19 साल की उम्र में चला गया था, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आर्मी मेरा पहला प्यार भी है।